जो बुद्ध के बारे में बताया जाता है कि हर एक चीज के अंदर बुद्ध मिल सकते हैं, हर एक ज्ञान की बात के अंदर बुद्ध मिल सकते हैं, तो ये कहाँ तक सच है? कि अगर आप अपनी दिनचर्या शुरू करना चाहते हैं, आप एजुकेशन करना चाहते हैं, अच्छा रोजगार करना चाहते हैं, तो ये सारी फिलॉसफी कहाँ बुद्ध में ऐड होती है, या ये क्रिएटिविटी है लोगों की जो बुद्ध के साथ जोड़ दी गई है? देखिए, जो लोग कहते हैं वो सीधे सरल शब्दों में कहते हैं कि आप पूरा दिन बुद्ध के साथ करिए, क्योंकि बुद्ध एक बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत ही ज़्यादा प्योर, बहुत ही ज़्यादा सुसज्जित और बहुत ही ज़्यादा अच्छे चीज़ में, पॉजिटिव चीज़ में माने जाते हैं जी। यानी आप ये कह सकते हैं कि जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बुद्ध के तो सारे स्टूडेंट ही मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जी। तो आप अगर बुद्ध की बात से कोई दिन स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि शुद्धता के साथ करते हैं, क्योंकि बुद्ध की बात में कहीं घुमा फिरा के बात नहीं कही गई है जी। स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने दिन की शुरुआत करनी है तो आपने ऐसे नहीं कहनी है कि आपके दरवाजे पे घंटी बजी और आप घर में रजाई में बैठे हुए हैं और आपने अपने बच्चे को कह दिया कि जाके कह देना कि मैं तो घर पे हूं ही नहीं जी। और बच्चा जाके बोल देता था कि पापा तो घर पे है ही नहीं जी। उससे क्या होता है कि दो बातें खराब हो गई सुबह सुबह जी। एक तो आप आलस से पड़े हुए हैं, आप फेस नहीं कर पाए और आपने बच्चे को भेजा और बच्चे ने लिबर्टी ले ली झूठ बोलने की। आपने झूठ बोला, बच्चे ने झूठ बोला, बच्चे ने लिबर्टी ले ली, अब बच्चा अगला झूठ भी आराम से बोल सकता है जी। तो आपका दिन खराब हुआ, बच्चे का दिन खराब हुआ जी। तो पूरा माहौल खराब हुआ। मगर अगर आप घंटी बजे और आप बच्चे से ये कहते हैं कि जाके बोल दीजिए कि पापा अभी आराम कर रहे हैं और वो अभी नहीं आ पाएंगे, या तो आप 10 मिनट बाद आए या बैठ जाए या कल आए, तो उससे क्या होगा कि आपका काम भी हो गया, बच्चे के मन पर फर्क नहीं पड़ा और आपका मन भी शुद्ध रहा, तो आपका दिन ठीक होगा। यानी सिर्फ बुद्ध की सी बात है कि जो कहना है आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दीजिए, इससे ये फायदा होता है।